अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मैंने कहा चलो अब बच्चों की एक्टिविटीज़ पे कोई वीडियो बना लेते हैं, तो मैंने फिर ना यहाँ पे जोहरान को देख रही थी कि जोहरान ना अपने बिस्किट्स इकट्ठे कर रहा था और जाविया उसके बिस्किट्स को ना तहस नहस कर रहा था कि वो बेचारा इतनी मेहनत से बिस्किट का एक टावर बनाता और जोहरा जाविया उस पर एक हाथ मार के ना उसके सारे बिस्किट्स बिखेर देता। और वो बहुत गुस्सा भी हो रहा था, कहता जावियार ना करो, लेकिन जावियार तो भाई अभी छोटा है, उसको नहीं समझ आ रही। लेकिन जहरान साहब को भी समझाना और समझना बहुत मुश्किल होता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना, मैं अपना इनको रिकॉर्ड कर रही थी कि लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कोई लड़ाई ना हो जाए। तो वैसे बहुत लड़ते हैं ये दोनों भाई आपस में। आज फिर बैठी हुई थी मैं इनके पास ही, तो मैं जुरान को कह भी थी जुरान प्लेट में रख के खा लो, पर जुरान थे कि नहीं भाई, ना समझते हैं ना समझना चाहते हैं, ये मेरी बात। तो लेकिन मैं तो फिर अम्मा ही हूँ ना, कि मैं तो उठा के रख ही दूँगी, लेकिन नहीं भाई, इनके सामने किसकी सुनते हैं, चलती है। आज ना फिर मैं जुरान की कुछ पुरानी वीडियोज़ देख रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ भी ये मोमेंट्स शेयर करते हैं और कुछ बातें शेयर करती हूँ जो मैं अपनी फैमिली में इंक्लूड करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरी फ्यूचर में मेरे बच्चे ऐसे ही रिएक्ट करें। मैं अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये बात शेयर करती हूँ कि यार ये रिलेशनशिप्स बहुत प्यारे होते हैं। मतलब एक आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक बाप के ऊपर बात करूं जिसको हम इतना नोटिस में डालते हैं। माँ के लिए तो हम बहुत कुछ बोलते हैं कि हमारी माँ ऐसी है, हमारी बाप ऐसी है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन हम कभी बाप के बारे में बात नहीं करते। तो आज मेरा दिल किया जहरान की कुछ वीडियोज़ देख के उसके बाबा के साथ, तो मेरा दिल किया कि मैं चलें आज शेयर करती हूँ अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपनी कुछ थाट्स कि मेरे क्या थॉट्स हैं अपने बच्चे के हवाले से, कि मैं उसका उसके फ़ादर का रिलेशन कैसा रखना चाहती हूँ। और अल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस एम पे मुकम्मल तौर पे उतरूँ। तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें अपने बेटों को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ इतनी बाउंडिंग बनाए कि वो उन्हें अच्छा और बुरा समझा सकें। आप यकीन करें, ये बात हकीकत है कि बाप बाप ही रहता है और माँ माँ ही, ना माँ बाप बन के पाल सकती है ना बाप माँ बन के पाल सकता है, क्योंकि इनका अल्लाह पाक ने रिश्ता ऐसा बनाया है कि बाप की हैसियत कफील की है और माँ की हैसियत संभालने वाली की है। लेकिन बाप हम सबको संभाल रहा होता है, तो ये एक बाउंडिंग ना बेटे और बाप के रिश्ते की होती ही अलग है। हम कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपने बाप से बहुत डरते हैं, अपने फादर से उनका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये काम हम माओं का है कि हम अपने बच्चों का रिलेशनशिप उनके फादर से स्ट्रॉन्ग करवाएं, उनको डराएं नहीं कि तुमने ऐसे नहीं किया तो बाबा को बताऊंगी, नहीं, आप उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि अगर उन्होंने ऐसा गलत काम किया तो उनके बाबा नाराज़ होंगे और वो नाराज़गी बहुत अहम होगी। हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि नाराज़गी अहम है, हम बच्चों को बस ये सिखाते कि नाराज़गी में गुस्सा है, हम ये नहीं सिखाते कि हम नाराज़गी में हर्ट होते हैं। अगर हम अपने बच्चों को इमोशंस नहीं सिखाएंगे, प्यार नहीं सिखाएंगे, तो शायद हमारे बच्चे कभी अच्छी तरबियत नहीं पाएंगे, क्योंकि एहसास करना एक बहुत अच्छी तरबियत होती है और तरबियत तो होती ही माँ की गोद से, लेकिन सवाल बाप से भी होता है तरबियत का। तो बहरहाल आप अपने हस्बैंड्स को भी इस चीज़ को समझाएं। मैं आज तक तमाम जो भी लेडीज़ मेरी ये वीडियो देख रही हैं, मैं उन्हें भी बोलूँगी अपने हस्बैंड्स को इस चीज़ पे बोलें कि आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाएं, अपने बच्चे को जो है वो इस बात पे कायल करें और अपने बच्चे को कायल करें कि बेटा ये आपके दोस्त हैं, इनसे डरना नहीं है। क्योंकि एक बेटी को तो आप घर में संभाल लेंगे, बेटी को आजकल के वक्त में तो बाप और बेटी का रिलेशन भी बहुत हाई है, लेकिन बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगी, बाप बाहर की दुनिया सिखाता है औलाद को, माँ घर की दुनिया। माँ बाहर की दुनिया नहीं सिखाती क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती। हाँ, जो जॉब्स करती हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आधा जो कल्चर है हमारा, उस हिसाब से हमारे बाबा जो होते हैं वो बाहर की दुनिया हमें
जिस तरह समझा सकते हैं ना, मैं कहती हूँ ऐसा कोई दोस्त नहीं सिखा सकता, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको आपका कह लें हम दर्द नहीं है जो आपको समझा सकता है जैसा आपके वालिद, आपके बाबा, आपके अब्बू जान आपको समझा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने फादर्स के साथ अपना रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप उनसे कोई भी बात कर सकें, दिल की बात कर सकें। अब यकीन करें, मैं अपनी शादी से पहले अपने फादर के साथ क्लोज नहीं थी, लेकिन आज मुझे इस बात का बड़ा शादी के बाद एहसास होता है कि मैं अपने फादर से बहुत क्लोज हूँ। इसी तरह से यह हर औलाद, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, अपने बाप के साथ ऐसा रिलेशन बनाएं कि आपके वालिद, आपके अब्बू आपको सहारा ऐसा दें कि पूरी दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आपके ऊपर सिर्फ आपके बाप का हाथ हो और आप इतने मजबूत हों कि आप कभी टूट ना पाएं। हम अपने वालदैन की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, हम अपने बाप की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, हम उनको इतना डिसहार्ट करते हैं, इतनी तकलीफ़ देते हैं कि वो कुछ कहते तो नहीं हैं लेकिन बहुत कुछ होता है उनके दिल में। वो हमें किस तरह पालते हैं, किस तरह बड़ा करते हैं, ये हम तो नहीं जानते लेकिन वो ज़रूर जानते हैं। उनके दिल में क्या है वो हमें बता नहीं पाते, यही वजह है क्यों नहीं बता पाते कि उनके दिल में क्या है। हमने अपने बच्चों की इस तरह की बाउंडिंग ही नहीं बनाई है कि जब वो बड़े होंगे और हम उनको अपने दिल की बात बता सकेंगे। इसलिए फ्रेंडशिप बाउंड लड़कों का ख़ास तौर पे अपने बाप के साथ बहुत होना चाहिए। वो अपने बाप को हर चीज़, क्योंकि देखें लड़के बाहर जाते हैं, उन हर बुरी सोहबत अच्छी सोहबत में उठना बैठना होता है, लेकिन जो एक बाप है ना, वो जो बाहर की दुनिया समझा सकता है, वो दुनिया कोई भी उसे नहीं समझा सकता, उसे कोई नहीं सिखा सकता। अब बेटे और बाप का रिश्ता इतना कोई प्यारा रिश्ता है ना कि हम उसको डिस्क्राइब करने पर आए ना तो वो रिश्ता कभी ख़त्म ही ना हो, उस रिश्ते की खूबसूरती कभी ख़त्म ना हो, वो इतना प्यारा रिश्ता है। बस मैं एंड में यही कहना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ अपने बाउंड ठीक करें, अपने फादर को समझें।